तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और वो भी हल सहित। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर कैसा होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप सभी को एकमात्र इसी चैनल पर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जैसे आपकी परीक्षा होगी उसके पहले हमारे द्वारा आप सभी को आपके जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो देखिएगा आपका जो पेपर होगा ना बिल्कुल इसके जैसा ही होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखा होगा अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और देखिएगा आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कक्षा 8वीं का पेपर है ये, जो कि सामाजिक विज्ञान का है। तो आप लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा क्योंकि मैं आज यहाँ से आपको पूरा पेपर भी बताऊँगा और इसका फुल सोल्यूशन भी दूंगा। तो देखिएगा इसके लिए आपका पूर्णांक होगा 60 अंकों का। कितने नंबर का पेपर होने वाला है आपका, टोटल 60 अंकों का पेपर होने वाला है और आपके पेपर के लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा है इसको देख पढ़ो समझ सकते हो, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा इन प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है इसमें। महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि महारानी विक्टोरिया जो थी उनकी घोषणा कब हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका यह आ जाएगा 1858 ईस्वी में हुई थी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को हमारे द्वारा पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको नहीं मिल पाएगा, और जैसे अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखते हो तो जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिएगा पहला उत्तर तो ये आ जाएगा ख नंबर का, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ईश्वरचंद विद्यासागर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने या केशव चंद्र सेन ने। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर क्या होगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। इसका उत्तर आपका ये आ जाएगा राजा राम मोहन राय। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों राजा राम मोहन राय ने ही किसकी ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया। तो देखिएगा अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए हैं, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि क्या लिखा है कार्यात्मक साक्षरता है। तो देखिएगा कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है, आत्मनिर्भरता, अपने अभाव के कारण को जानना या अभाव के कारणों को दूर करना या उपरोक्त सभी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ से आप लोगों को इसे नोट कर लेना है, यहाँ से मैंने आप सभी को इसका उत्तर भी बता दिया। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ें उससे पहले बार बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो हम जैसे वीडियो अपलोड करेंगे पेपर वाले वो आपको बराबर मिल जाएंगे। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है प्यारे विद्यार्थियों भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको ये बताना है कि भारत के जो GDP है ना उसमें खेती का योगदान कितना है। तो देखिएगा इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा 26%। कितना लिख लेना है, 26% इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग इसे याद कर ले पूरा का पूरा जैसा मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। अभी तक हम 4 क्वेश्चन के आंसर देख चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा ना उसमें आपसे इसी प्रकार के सही विकल्प पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से आप लोग इसे देख लें। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों आपको ये बताना है कि तारापुर परमाणु संयंत्र जो है वो किस राज्य में है। तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना है महाराष्ट्र। किस राज्य में है ये,
महाराष्ट्र राज्य में है तारापुर परमाणु संयंत्र। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ तक का देख लेंगे और इससे नोट भी कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और उसके सोल्यूशन को भी देखते हैं। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दो में आपको इस प्रकार से रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को भी अच्छे से देख लें और पूरा समझ लें। ये क्वेश्चन नंबर दो में आपसे पूछा जाना है। क्वेश्चन नंबर दो में आपसे क्या पूछा जाएगा? रिक्त स्थान पूर्ति। तो पहले रिक्त स्थान को समझते हैं। 1876 ई में सिविल सेवा में भाग लेने की न्यूनतम आयु कर दी गई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके पहले जो थी ना, सिविल सेवा में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, मगर इसके बाद में कितनी कर दी गई? 19 वर्ष। तो यहाँ पर आपको 19 लिख लेना है, 19 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ तक का नोट कर लेंगे। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ने की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रामकृष्ण मिशन जो था ना, इसकी स्थापना किसने की? तो देखिएगा इसका उत्तर आपको लिख लेना है स्वामी और इसके बाद में विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। तो यहाँ से आप लोग इसे लिख लें, ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया है। अब चलिएगा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अस्पृश्यता को घोषित किया गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अस्पृश्यता को क्या घोषित किया गया है? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अस्पृश्यता को अनुच्छेद 17 के तहत क्या घोषित किया गया है? अपराध। तो यहाँ पर आपको अपराध लिखकर आना है। क्या लिखकर आना है? अपराध। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से इसको लिख लें। और इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके जितने भी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने कि ऐसे पेपर को नहीं देखा है, आप सभी लोग इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा मैंने बता दिया, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हमने देख लिया था वैसे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना में लगाया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लोहा इस्पात का आधुनिक कारखाना कहाँ पर लगाया गया? तो इसका उत्तर आपको लिख लेना जमशेदपुर। क्या उत्तर आ जाएगा? जमशेदपुर में लगाया गया। तो इसका उत्तर यह आ जाएगा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर वायुसेना का अध्यक्ष होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, वायुसेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है एयर और उसके बाद में क्या लिखोगे? चीफ और उसके बाद में लिख लोगे मार्शल। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एयर चीफ मार्शल इनको कहा जाता है। तो ऐसे आप सभी लोग यहाँ से देख लें। अब इसके बाद में देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्वेश्चन नंबर एक में को आपको सही विकल्प पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर दो में आपको क्या दिए जाएंगे? रिक्त स्थान। अब इसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है ना, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो। ये वाला जो क्वेश्चन लिखा ना, क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई? बक्सर की लड़ाई के क्या परिणाम हुआ लिखिए। दोहरी शासन व्यवस्था का बंगाल की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? पूरा का पूरा आपको ये लिखना है। और देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लें। आपके पास में जो भी चीज़ें पढ़ने के लिए, उसमें से आप लोग इसके सॉल्यूशन को कंप्लीट कर लें, या आप लोग इसके लिए हल करने के लिए अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हो। आप सभी के पास में अभी पर्याप्त टाइम है, तो आप सभी लोग इनके आंसर अच्छे से तैयार कर लें। जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक के पेपर में पूछे जाएंगे। पूरा का पूरा कुल मिला के आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा का ही पेपर है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 15, महलवारी व्यवस्था स्थाई बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी? उसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया जाएगा, दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से को क्या कारण थे? तो देखिएगा, ये वाला आप लोग याद कर लें। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो आप सभी लोगों को जो जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, आप लोग यहाँ से इनको अच्छे से याद कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।